ऑब्स्टिनेट नेजल कटार, इसकी मतलब कई इंक्वायरी आती रहती है। आज भी किसी की तरफ से आई थी इंक्वायरी कि क्रॉनिक नजला है, वो किसी तरह से ठीक ही नहीं हो रहा। मैं कहता सीम से रब्ता करो, मुझसे मशवरा कर लेगा, उसमें ये भी दुआ है, इसे शुरू करो। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, कि ये क्रॉनिक नजले के इलाज में बहुत ऊंची ताकत में दी जाए तो काम करती है। इसका मतलब ये है कि वो बीमारी, जो सुजा की बीमारी गहरी अंदर गई है, कभी किसी जमाने में किसी जगह हुई, और वो आम दवाओं के रीच से नीचे है। जहाँ भी बीमारी रूह के करीब पहुंच जाए, जहाँ कैंसर बदल बन रही हो या इसी किस्म की क्रॉनिक खतरनाक चीजें बन जाए, वहाँ छोटी ताकतें काम नहीं आती, बल्कि बहुत ऊंची ताकत नहीं लेना चाहिए। तो मेडिवाइनम भी अगर क्रॉनिक नजला इसी वजह से हो तो CM में दिया जाए, या कम से कम 10,000 में दिया जाए। समझो, नर्वस हंगर, ये हंगर रेयर मेमोरी जो है किस चीज में मिलती है? सोराइनम में भी मिलती है, लेकिन रात के वक्त, रात के वक्त भूख बेकरार करे तो सोराइनम की अलामत है। लेकिन नर्वस हंगर जिसमें दिल चाहता है कुछ खाऊं, वो घबराहट की वजह से, लेकिन वो मेरे लिए कुछ तस्कीन नहीं मिलती, खाने के बाद फिर भी कुछ खाने की ख्वाहिश रह जाती है, इसको नर्वस हंगर कहते हैं। तो नर्वस हंगर इस दवा में बहुत नुमाया है। और अनकंट्रोलेबल थर्स्ट, ऐसी प्यास जो बुझे ही ना, और जब ये अलामत हो तो रेवनेस हंगर। रेवनेस का मतलब है कि रेवन्स जिस तरह खाते हैं काले कौवे, तो रेवनेस से मुरादी होती है बहुत भूख जो शदीद हो, बेचैन कर दे, इसलिए रेवनेस हंगर होती है, और साथ प्यास भी। और दोनों, खाना खाने से भूख मिटती है, ना पीने से प्यास बुझती है। तो ऐसी लामतें इन दो चीजों में पाई, इन चीजों में पाई जाती हैं। जो एक अजीब बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में बाहर से लोगों को देखा, तो आग में गिरते हैं और फिर बाहर आते हैं तनूर से, और फिर वापस चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो जिब्राइल ने बताया ये वो लोग हैं जो ऐसी फाशा में मुब्तला थे। तो इस बीमारी की जात में ये बात है कि एक दफा थोड़ी सी प्यास बुझ जाए तो इंसान समझते हैं मैं इससे निजात पा गया हूं, फिर दोबारा वो आग भड़क उठती है, फिर वो खत्म हो फिर भड़क उठती है। तो ये जो प्यास और भूख है इसमें भी यही नमूना है इसका। खाना खा ले, पानी पी ले, फिर देख ले, फिर वही भूख, वही प्यास। तो ये अलामतें जो हैं, ये अगर आप गहरा मुताला करें तो रूह के जो अतवार हैं उनसे जिस्मानी बीमारियां मिलती जुलती होती हैं, और आपस में एक ही सिंगल एंटिटी है। असल में इसको हम तकसीम कर लेते हैं जिस्मानी रूहानी में, मगर बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक एक ही जात से है, यानी उस इंसान से जिसके अंदर एक जात बसी हुई है।